जिला अस्पताल के SIC द्वारा अस्पताल परिसर का लगातार निरीक्षण कर अस्पताल का कायाकल्प करने और मरीजों को इलाज की बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को SIC अभय चंद श्रीवास्तव द्वारा जिला अस्पताल के OPD परिसर का गहनता से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान OPD में बने शौचालय, OPD कक्ष और दवा काउंटरों पर गंदगी मिलने पर SIC ने संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए अस्पताल परिसर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान SIC ने नर्सिंग हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नर्सिंग हॉस्टल के भवन जर्जर हो चुका है, जिसके लिए पत्र लिखकर विभाग को अवगत कराया जाएगा। साथ ही स्वीकृति मिलने के पश्चात जर्जर भवनों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SIC अभय चंद श्रीवास्तव ने बताया। यदि लाइब्रेरी आवर है तो लाइब्रेरी में जा सकते हैं, क्लास छोड़ के लाइब्रेरी में कौन जाएंगे? मैं सब डिवाइड करके बड़े बड़े बच्चों को भेजना जाता है क्लासरूम में। क्लास कहाँ है? ये दुखद बात है कि क्लासरूम में क्लास में हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके पास 28 बच्चे हैं तो 2800 आज पढ़ने की क्लास में होनी चाहिए। ये तो मेरे नॉर्मल कोर्स का है कि सोम मंगल और बृहस्पत हमने जो रखा है कि किसी न किसी वार्ड किसी जगह का निरीक्षण करूंगा। इस संबंध में आज निकलते हुए ही OPD में देखा, वहाँ पर जो भी थोड़ी सुधार की ज़रूरत थी, टॉयलेट की बात थी, उस सब का कर दिया, आदेश हो गया और सब हम देख रहे हैं कि 2 बजे के बाद उस पर किराना भी किया जा रहा है। जहाँ तक OPD में टॉयलेट का समय था, वहाँ पर सबसे ज़रूरी था कि OPD के समय एक सफाई कर्मी अवश्य रहे जो थोड़े थोड़े देर पर हमारे प्रसाधन को साफ कर ले। इसके बाद स्टाफ नर्स ट्रेनिंग सेंटर का मैंने देखा, उसके कुछ बिल्डिंग तो ऐसी हो गई हैं 25-30% छत की मोटाई नीचे गिर गई है, सरिया जंग लगे दिखाई दे रही हैं। इस संबंध में विस्तृत आख्या मैंने JEE को पत्र लिख रहा हूँ कि बताएं कि क्या उसमें रहना हमारे ट्रेनिंग लड़कियों को सुरक्षित है या नहीं है। यदि सुरक्षित नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या माइनर रिपेयर मेजर रिपेयर कैसे होगा, इस संबंध में मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी समाधान होगा इसका निकाला जाएगा। ट्रेनिंग स्कूल में जो भी लड़कियां हैं उनके क्लास के लिए भी कुछ दे सकती है? हाँ, क्लास थोड़ी देर में 10 मिनट बैठा था, देखा था उनकी क्या नॉलेज है, क्या पढ़ाई हो रही है और उनके नए बैच के एग्ज़ाम कैसे होने हैं। जो ऊपर से आदेश आया है कि पिछले इंटरनल
मार्क्स में 50% यदि नंबर पाई हो तो इंटरनल एग्ज़ाम लेके आगे प्रमोट कर लिया जाए। इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा। सर, आपके पिछले निरीक्षण में पार्किंग की व्यवस्था वैसी लगाने के लिए निर्देशित किया गया था क्या? पिछले निरीक्षण में सर अस्पताल में जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी पार्किंग के लिए व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया गया। तो पार्किंग तो बंद हो गया, अब हमारे OPD के सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही है, दोनों से चेन लग गया है और यहाँ तक कि किसी की भी गाड़ी, किसी हमारे चिकित्सक की भी गाड़ी इस एरिया में खड़ी नहीं की जाती है, बाहर खड़ी की जा रही है। एम्बुलेंस पीछे जा रहा है, पीछे भी सफाई हो गई है और इस संबंध में मेरे नगर आयुक्त से भी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मूर्ति विसर्जन में उनके सभी JCB बिजी थे, जैसे खाली होते हैं पीछे जो नॉन बायोमेडिकल वेस्ट का कूड़ा पड़ा हुआ है और कुछ मलबा पड़ा हुआ है वो साफ करवा देंगे। सर, OPD के बगल में ही बेसिंग भी लगाई जा रही है, क्या उद्देश्य? हाँ, ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमें ट्रायज एरिया, स्क्रीनिंग एरिया एंड वेटिंग एरिया डेवलप करनी है। उसमें स्ट्रिक्ट ऊपर से निर्देश है कि ऐसा बनाया जाए और ट्रायज एरिया के पहले हाथ धोने का स्थान और साबुन हो और स्क्रीनिंग के समय वहाँ पर उनको सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने और स्क्रीन करने के बाद ही अंदर लिया जाए। जो भी प्रोटोकॉल है मैं कोशिश करूँगा अक्षरशः उसका पालन किया जाए। लेट अस सी क्या हम कर पाते हैं। सर, एक नई इमरजेंसी बनाने के लिए भी आपसे जगह मुहैया कराने के लिए पत्र इस संबंध में एक पत्र मुझे मिला है और इसको इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की बात कर रही है, 700 वर्ग मीटर ज़मीन मांगा गया है। इस संबंध में मुझे देखना है क्या जो ट्रॉमा सेंटर बनना था उसी से संबंधित है कि ये क्या कोई नया अस्पताल बनाने के लिए बात है। तो मैं अभी तो आधा घंटा पहले मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अध्ययन कर लूँगा तो बता पाऊँगा।